हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बीपीसीएल का एनालिसिस करने वाले हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, बीपीसीएल के वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस में कंटिन्यूअसली हायर हाइज एंड हायर लोस का फॉर्मेशन हो रहा है। और दोस्तों, बीपीसीएल के वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 240 का रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद जो है बीपीसीएल में स्ट्रॉन्ग अप मूव दिखा। और उसी हिसाब से दोस्तों, लास्ट 6 महीने में बीपीसीएल ने अप्रोक्स 30% का प्रॉफिट दिया है। दोस्तों, बीपीसीएल के वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस का वीकली क्लोजिंग था 307 के पास। और उसी हिसाब से दोस्तों, 307 के नीचे 300 प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और दोस्तों, वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 325 से 344 का जो रेंज है यह प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन गया है। और उसी हिसाब से दोस्तों, वीकली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं प्राइस बहुत समय से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 325 से 345 का जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है ये अगर ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 300 के पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 345 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, तब जो है हम लोग मिड टर्म बेसिस पे 400 से 450 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बीपीसीएल का कंप्लीट एनालिसिस। अभी हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से डेली चार्ट पे बीपीसीएल का एनालिसिस कर लेते हैं। बीपीसीएल के डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 300 प्राइस के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया है। और दोस्तों, 300 के नीचे 290 प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया है। और दोस्तों, डेली चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 320 प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है। और दोस्तों, 320 के ऊपर 330 से 340 का जो रेंज है यह प्राइस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और उसी हिसाब से दोस्तों, आने वाले समय में अगर प्राइस 290 से 300 के रेंज में सस्टेन करता है, तब जो है हम लोग लोअर लेवल पे 270 के पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के हायर लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों, 300 के ऊपर 320 बनने वाला है प्राइस के लिए फर्स्ट टारगेट। 320 के ऊपर 330 से 340 का जो रेंज है यह बनने वाला है प्राइस के लिए सेकेंड टारगेट। तो आने वाले समय में अगर प्राइस 344 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर देता है और इसके ऊपर डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तब जो है हम लोग हायर लेवल पे 400 से 450 के लेवल के लिए ट्रेल कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बीपीसीएल का कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ आज के एनालिसिस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।